केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नागपुर में शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने पत्र परिषद ली। इस दौरान उन्होंने जीएसटी से लेकर नागरिकता कानून की चर्चा की। साथ ही उन्होंने नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस को फटकार लगाई है। वहीं जीएसटी की बात कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आड़े हाथ लिया। महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में जीएसटी के बकाया को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने केंद्र सरकार की तरफ राज्य का जीएसटी का 15,000 करोड़ बकाया होने की बात कही थी, जिस पर अब केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनको पहले अपने अर्थ मंत्री से इस बात का जायजा ले उसके बाद ही बात करने के लिए कहते हुए नसीहत दे डाली। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए नागरिकता कानून को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि असम कांग्रेस सरकार के जमाने में ही नागरिकता कानून लागू हुआ था। डिटेंशन कैंप की शुरुआत भी कांग्रेस ने ही की थी। पहले राहुल गांधी इससे रूबरू हो जाए, बाद में इस पर बात करे। झूठ का एक और प्रोपेगेंडा ये किया कि डिटेंशन सेंटर भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। अब डिटेंशन सेंटर तो तीन कॉल किसने बनाए, आप सबके सामने दो दिन के बाद वो बात खुल गई। तरुण गोगोई जी ने स्वयं माना, चिदंबरम जी ने माना, इनकी सरकार के दिए हुए तीन डिटेंशन सेंटर है। 2009 में मनमोहन सिंह जी असम के ही सांसद थे, देश के प्रधानमंत्री थे, तरुण गोगोई जी वहां के मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। तो 2011 की रिपोर्ट में जो आया तो किसने बनाए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने डिटेंशन सेंटर बनाए? तो राहुल गांधी थोड़ा तो पढ़ लें, आरोप लगाने से पहले अपने पार्टी के नेताओं से पूछ लें। और दूसरी बात एनआरसी की आती है, उससे पहले मैं कहना चाहता हूं सीएए पर 120 घंटे की चर्चा हमारी पार्टी के अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ, धार्मिक लोगों के साथ, सामाजिक नेताओं के साथ, सबके साथ बातचीत करने के बाद सीएए को लाए, दोनों सदनों में पारित करवाया और महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा किया जो कांग्रेस नहीं कर पाई। एनआरसी पे हमने एक शब्द नहीं लिखा। 1985 के असम समझौते में राजीव गांधी जी का कहना था कि एनआरसी लाएंगे, कहा था, लाया कौन, बनाया किसने? अगर राजीव गांधी की लाई हुई देन है एनआरसी और सोनिया जी के चेयरपर्सन यूपीए के होने के नाते, मनमोहन जी के प्रधानमंत्री होने के नाते इन्होंने उसमें संशोधन किए, तो इस पे जवाब तो इनको देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू करवाया असम में, भारतीय जनता पार्टी ने कोई लागू नहीं करवाया। ये झूठ का आरोप, झूठे आरोप और भय भ्रम अफवाहें फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। सीएए और एनआरसी को लेकर कांग्रेस जनता में एक भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि इन दोनों कानूनों को कांग्रेस ने बनाया था। भाजपा ने इन कानूनों का संशोधन करके पारित किया है। अब जब इन कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार तैयार बैठी है, पर कांग्रेस झूठ बोलकर देश में भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में जो गलतियां की है, उस गलती का सुधार भाजपा करी है। कलम 370, तीन तलाक, ऐसे सुधार भी भाजपा सरकार ने की है, ऐसी बात भी अनुराग ठाकुर ने कही। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ नितिन शेगावकर की रिपोर्ट।